Hey friends, welcome to my another vlog. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी छठ गया, दीपावली गई, तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ इस सब का एक छोटा मोटा विद ट्रेवल व्लॉग। तो आज ये है दिल्ली की सड़कों का दृश्य, सीन ब्यूटीफुल सीन है। कभी कभी दिल्ली अच्छी, कभी कभी नहीं, दिल्ली हमेशा अच्छी रही है। सारी चीज़ें हमारे देश की राजधानी है। तो आज है ये शॉपिंग का ब्लॉग, तो देखिए आप चलते रहिए हमारे साथ, शॉपिंग कीजिए, है ना। और मार्केट दिवाली और छठ के इसमें मार्केट खूब अच्छे अच्छे सजे हुए हैं, तो हम दिखाते हैं। दिल्ली जो है चांदनी चौक में आपको होल सेल रेट पर आपको सारे कपड़े मिलते हैं, और बाकी अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी सस्ते और रिजनेबल प्राइस में है। अगर आपको यहाँ ख़रीदने का आइडिया आता है तो एक मेन बात यहाँ की ये है, आपको अन्य जगह की अपेक्षा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े लेते हैं उनको तो ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, फिर भी आपको और जगह की अपेक्षा, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ जो है ये लहंगे रखे हैं जो काफ़ी डिज़ाइनर लुक के भी हैं और रीज़नेबल प्राइस के भी हैं। जो हमने अन्य शॉप्स में पूछा फ्रेंड्स, वो काफ़ी महंगे थे और यहाँ आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमने देखने हैं कुछ गरम सूट, तो हम लेते हैं गरम सूट और हम यही सर्च कर रहे हैं। तो आपको गरम सूट की वैरायटी यहाँ 300-400 से स्टार्ट होके आपको 1000-2000, फिर आप कितना पैसा आप लगाते हैं वहाँ पर है। ये है 750 के अराउंड ये सूट मिल रहे हैं ये वाले, तो बताइए कैसे लगे आपको। और चांदनी चौक में एक ये है कि आप यहाँ जो है जो ब्रोकर है ना, दलाल घूमते हैं, उनसे आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये दलाल आपको ले जाते हैं अंदर शॉप पर और इनका जो शॉप का कमीशन है ना, शॉप वाले के साथ इनका बंधा हुआ रहता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके बिल के साथ वो ऐड कर दिया जाता है। सो जो दुकान करते हैं, जो अपनी दुकानों के लिए सामान ले जाते हैं, वो लोग खुद ही आते हैं, और जो इसे हम जैसे लोग जो जाते हैं अगर दलाल के थ्रू ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, तो ब्रोकर का उसमें कमीशन होता है, जिससे हमें वो सामान जो मतलब और सस्ते में मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता है। तो हम भी यही सर्च कर रहे हैं, जो मैंने हमने अनुभव लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो नए हैं प्लीज़ बने रहिए पूरे ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार, सपोर्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये बीच की क्लिपिंग है, आप देख रहे हो चांदनी चौक के लिए कितनी भीड़ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में है, मतलब खचाखर त्यौहार के मौसम में ये एरो आपको बताता है कि कौन सी मेट्रो किधर को जाएगी। तो कुछ क्लिप मैंने यहाँ की भी ली है, तो बने रहिए आगे हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मेट्रो में आप देखिए कितनी भीड़ रहती है, आपको जो है अपने बैग और पर्स जो हैं आपको संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि जेब भी आपकी कट सकती है इतनी भीड़ में। इतनी भीड़ देखकर आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि दिल्ली में क्या हाल हो रहा है। तो गाइस शॉपिंग हो गई है चांदनी चौक में, हमें काफ़ी अच्छा सामान मिला। आप लोग भी जा सकते हैं, बस दलालों से आप बस के शॉप पे जाइए। आपको शादी का, ब्याह का और काफ़ी सामान इकट्ठे ख़रीदना है, तो आप वहाँ से काफ़ी सस्ते और अच्छे दामों पर अच्छी अच्छी शॉप से ख़रीद सकते हैं। तो अब हम लौट आए हैं घर की तरफ को, और हमारे पहाड़ों में बारिश होती है तो पानी एकदम से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ दिल्ली और प्लेन वाले एरियाज़ में ये पानी जमा हो जाता है, तो बस हमें ये अच्छा नहीं लगता। और बाकी घूमने के लिए बढ़िया है दिल्ली। अब चलिए चलते हैं, और आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।